पिछे बहुत मजबूत है जी, 50 फुट चौड़ा पिछे। क्या देखो पिंड की यार चाहिए, पहले भी 50 फुट चौड़ा सी पिछे भी है, हुण जिस किसी ने नहीं वड्या टूट गया ना। प्रधान जी बताएं, जो ये पानी की जो आपदा आई हुई है, आज जाखल मंडी गुरु नानक नगर चुल्लड़ और बलरा के लोग एकजुट होकर इस बन्ने को बनाने के लिए आगे आए हैं, इसका सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं था? देखिए वैसे तो ये एरिया जहाँ खड़े हैं ये पंजाब का है, लेकिन जब आपदा आती है तो उसमें हरियाणा पंजाब कुछ नहीं है, सब लोग मिल करके इस आपदा से सामना करें। एक तो सबसे पहले तो मैं ये अपील आपके माध्यम से करूँगा, पंजाब सरकार के किस प्रकार की व्यवस्था है ये तो पंजाब सरकार उसके प्रशासनिक अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा सरकार के सब तरह के प्रबंध पूरे हैं। और जिस प्रकार से अभी ये पीछे से कल जो नाके टूटे हैं, फुल्द है, मकोड़ साहब है, उधर का सारा पानी होकर के पूर्ण माजरा और कासिमपुर से आगे बढ़ना शुरू हो गया है, वहाँ कोई नुकसान ना हो इस बात के लिए पूरा प्रशासन, चाहे डीसी की बात करें, एसपी की बात करें, उनके दोनों प्रशासन उनके मुस्तैद है पूरी तरह से, पब्लिक हेल्थ मुस्तैद है पूरी तरह से, सिंचाई विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, जहां पर भी जेसीबी चाहिए जेसीबी उपलब्ध करवाई गई है, खाली थैले मिट्टी ये उपलब्ध करवाने की बात है वहां वो करवाई गई है। अभी मैं इधर पूरे इस क्षेत्र में अभी होकर के आया हूँ, कल भी विजिट की थी हम सब साथियों ने मिलकर के, जहाँ भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जरूरत है वो करवाई गई है, यहाँ तक कि बिजली ठीक वहाँ चले, लोगों को पीने के पानी की कहीं कोई समस्या ना आए, इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से मोबिलाइज है, जगह जगह डॉक्टरों की टीम दिखाई गई है, एनडीआरएफ की टीम पूरे क्षेत्र का दौरा कर रही है, और हर प्रकार की जो भी बाढ़ के समय में लोगों की जरूरत हो सकती है, पीने के पानी से लेकर के खाने तक की चीज़ें, ऐसी सब व्यवस्था ठीक प्रकार से शासन प्रशासन की तरफ से भी हो, ये व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ सब ग्राम पंचायतें, सब ग्रामवासी क्षेत्रवासी वो लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है, सामाजिक संगठनों के लोग लगे हुए हैं, यानी कि जिस भी प्रकार की जरूरत होगी इस संकट की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में लोगों का साथ देने के लिए पूरी तरह से आम जन से लेकर के और प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा सब सामाजिक संगठनों से, और मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो लगाया ही है कि इस संकट की घड़ी में जिससे भी जिस भी प्रकार की इसमें मदद हो सकती है, दिल खोल करके श्रमदान से लेकर के जिस भी प्रकार का वो योगदान इसमें कर सकते हैं करने के लिए तैयार रहें। और एक अपील और करना चाहूँगा कि इधर भी खेतों में बहुत सारी ढाणियाँ हैं, वो खेतों में ढाणी और डेरे में जो भी हमारे किसान भाई किसान परिवार रहते हैं वो समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं,
अपने पशुओं को मवेशियों को वहाँ से निकाल लें, और जो पशुओं का चारा है, सूखा चारा खास करके पूरी वगैरह है उसके कुप और इस प्रकार के लगे हुए खेतों के अंदर, उनको भी अगर सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे तो जो बाढ़ के बाद की जो संभावित समस्याएं हैं उनसे निपटने में भी हम सब लोगों को सहायता मिलेगी। ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा। जाखल मंडी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जाखल मंडी के जो प्रशासन है DC SP अभी तक उन्होंने इस बंदे को लेकर जाखल मंडी के लोगों की राय नहीं ली, नहीं पहुंचे अभी तक। देखिए मैंने शुरू में एक बात कही थी, जहां हम खड़े हैं कि पंजाब का क्षेत्र है, फिर भी मैंने व्यक्तिगत तौर पे DC और अन्य अधिकारियों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात की है, लेकिन यहाँ की जो सारी योजना है वो पंजाब के स्तर पे बननी है, लेकिन हाँ आगे जाखल के अंदर पानी ना जाए इस बात की जिम्मेवारी हरियाणा प्रशासन की है। वो मिल करके कैसे वहाँ पानी को रोका जाए जाने से, इस बात का पूरा प्रयास चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, हम सब लोगों को सजग रहने की, पूरी तरह से सजग रहने की जरूरत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।